वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कोयला खदान में लूट और चोरी के साथ कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। वेकुली की सामग्री में लूटपाट मचाना हुआ या सुरक्षा कर्मियों से हमले जैसे आम बात हो गई है। इस बार हमला वेकुली के सुरक्षा कर्मचारी प्रवीण विठल लाड़े पर हुआ है। घटना शुक्रवार 9 अक्टूबर की शाम 6 बजे का बताया जा रहा है। हालांकि इस घटना में कर्मचारियों को मामूली चोटें आई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। प्रवीण लाड़े ने थाना में शिकायत दर्ज की है। शिकायत में मारपीट व हमला करने का आरोप निजी कंपनी के चालक रमेश मटला पर लगाया गया है। घायल सुरक्षा कर्मचारी प्रवीण लाड़े के अनुसार घुघुस बैरंग बाबा मंदिर के पास स्थित वेकोली खदान की चेक पोस्ट में कार्यरत था। उसी वक्त आरोपी राकेश मटला उनके पास आया और मेरी वाहन का एंट्री पहले करने की मांग करने लगा। इस पर मना करने पर आक्रोशित हो उठा और उस पर हमला कर दिया। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। अचानक घटी इस घटना से वह घबरा गए। लगातार घट रही ऐसी घटनाओं से वेकोली कर्मी दहशत में है। ऐसा नहीं है कि वेकोली कर्मचारियों पर हमले की अब पहली घटना हो। इससे पहले भी इस प्रकार की वारदातें होती रही हैं। खासकर माफिया द्वारा आए दिन इस प्रकार की गस्ताखी करते रहते हैं। वेकोली क्षेत्र का सुरक्षा तो बात की बात है, सबसे पहले तो विभाग के कर्मचारियों की रक्षा ही मुख्य मुद्दा बना हुआ है। वेकोली प्रबंधन से अपनी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की मांग अब उठ रही है। NBCN न्यूज के लिए घुग्गुस से सदन बाबू रेनकुंटा की रिपोर्ट।